हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कैपिटल एक्वायर फाइनेंशियल प्लानर। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे वीडियो ट्यूटोरियल में। दोस्तों, जितने भी यूट्यूब व्यूअर्स हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो जो लोग भी वॉच करते हैं और जिन्हें हमारा काम पसंद आता है, जिन्हें लगता है कि हम अपने काम पूरी ईमानदारी से और बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, प्लीज़ हमारे वीडियो पे लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से और बेल आइकॉन दबाने से ये होता है कि जो वीडियो है वो आपको डायरेक्टली मिलते हैं। ठीक है, तो मैं ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए आज के डेली जो क्रूड एनालिसिस का जो तीसरा पार्ट है 18 जुलाई 2019 का, उसको कंप्लीट करता हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको दिखाना चाहूँगा कि आज मॉर्निंग में जो लेवल आए थे, मॉर्निंग 10 AM का जो लेवल है, तो सिर्फ क्रूड ऑयल के ऊपर हम फोकस करते हैं। तो एक मिनट, ये मॉर्निंग का लेवल था 10 AM का, जिसमें क्रूड ऑयल अबव 3913.73 के अबव आया था, 33.94 का टारगेट था, स्टॉप लॉस था। तो दोस्तों 3913 के अबव जो आया था मॉर्निंग 10 AM पे, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, तो आपको दिखाना चाहूँगा कि 3913 जो है 14, उसको हल्का सा टच कर गया था मार्केट। ठीक है, तो मैं आपको ट्रूली बता रहा हूँ कि ये जो लेवल था वो एग्जीक्यूट हो गया था और नीचे आके इसने अपना 3994 जो इसका SL था, उस SL को यहाँ पे ट्रिगर कर गया सिर्फ 5 मिनट में। तो जिन्होंने भी बाय किया था उनको सडनली SL हो गया, मतलब 20 पॉइंट का उनको स्टॉप लॉस देखना पड़ा। उसके बाद सेम डे के लेवल पे, ठीक है, एक दूसरा लेवल था जो 3895 से सेलिंग का था, 76 का टारगेट, 3915 का SL, तो उस कॉल में भी उनका 95 का जो एंट्री था, यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको दिखाऊंगा अभी आपको, ये वाली एंट्री लगभग थी, उसका भी SL हो गया। तो कुल मिला के कहना चाहिए कि मॉर्निंग के दोनों कॉल जो बाय अबव और सेल बिलो के लेवल्स थे वो बहुत ही एग्जैक्ट लेवल थे। एक्चुअली अगर कोई एनालिस्ट होगा तो देखेगा कि ये एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर रहा है, ये एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर रहा है, बट इसमें एक फॉल्स ब्रेकआउट जो हुई, जो फॉल्स ब्रेकआउट यहाँ पे हुई, ठीक है, जो ट्रेडर रिसर्च एनालिस्ट नहीं, मतलब प्राइस एक्शन की भाषा नहीं समझ पाते, उनको मैं बताना चाहूँगा थोड़े से इसमें कि यहाँ पे इस प्राइस पे एक फॉल्स ब्रेकआउट आई। मतलब जो लोग अगर हमारी ट्रेनिंग में आते हैं तो कभी भी जब हमारा लेवल एग्जीक्यूट होके मार्केट में एक अच्छा ब्रेकआउट नहीं देता है, ठीक है, तो उस केस में हमको अपनी पोजीशन छोटे मोटे प्रॉफिट में निकाल लेना चाहिए ताकि हमारा 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस ना होता। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी वही चीज़ हुआ, तो जो लोग समझते हैं वो निकाल सकते थे अपना। ठीक है, मैंने भी बहुत लोगों को सजेस्ट किया कि निकाल दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये फॉल्स ब्रेकआउट आया, बट मैं इसे दोनों को लॉस मानूंगा। और अपने डेटा बुक में, जो क्रूड एनालिसिस के बुक में 18/7 की जो पहली ट्रेड थी मॉर्निंग की, उसमें 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस दोनों में, बाइंग का भी और सेलिंग का भी, मैं यहाँ दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको फ्रीज कर देता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे, हाँ बिल्कुल बहुत अच्छा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 18/7/2019 को पहले ट्रेड में 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस हुआ बाइंग SL, देन सेलिंग SL भी हुआ 20-21, मतलब 40 पॉइंट का हमको सुबह लॉस हो गया। ठीक है, लेकिन हमने अपना डिसिप्लिन नहीं छोड़ा। देखो, यहीं पे आप लोगों का टेस्ट होता है, जो भी लोग 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया वो दोबारा ट्रेड करने में सोचेंगे, इसलिए मैं मिनी लॉट बोलता हूँ। और आपको पूरे महीने इस स्ट्रेटजी को एकदम डिसिप्लिन के थ्रू, आप ये समझ लीजिए कि 5,000 रुपये हमने लगाया है, उसे लॉस करना है। प्रॉफिट के बारे में मत सोचिए, प्रॉफिट आपको ऑटोमेटिक मिलेगा। अगर आप आम का पेड़ लगाएंगे तो फल के बारे में मत सोचिए, फल जरूर मिलेगा। ठीक है, बस उस आम को किस तरीके से पानी देना है, किस तरीके से रखरखाव करना है। सिमिलरली मार्केट में, कमोडिटी हो या स्टॉक मार्केट में, अगर आपने डिसिप्लिन को छोड़ दिया तो आपको नुकसान होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे आपने डिसिप्लिन को छोड़ा, इतनी मेहनत की और लॉस हो गया तो छोड़ दिया, तो वो आपका मेहनत स्टॉप लॉस के साथ साथ मेहनत का भी लॉस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम
फिर से हमने अगेन 2 बजे के करीब हमारी एक दूसरी एंट्री आई, ठीक है, उस दूसरी एंट्री को मैं दिखाता हूँ, ठीक है। इसके बाद हमारी जो 2 बजे तक हमारे स्टॉप लॉस हो गए थे, 2:30 पे हमारी दूसरी एंट्री आई, ठीक है। हालांकि मैं 2 बजे वाले लेवल में मना किया हूँ ट्रेड करने को, फिर भी हम अगर जैसे स्टॉप लॉस हो गया है और हमें लगता है कि फिर से ट्रेड करना चाहिए, तो 2:30 में एक नया लेवल आया 3910 से बाय का, 3930 का टारगेट, 3891 का स्टॉप लॉस। तो इसमें आप देखेंगे कि ये मैंने नोट किया है 3910 का एंट्री, 3930 टारगेट और 3890 का एसएल। तो ये वाला जो लेवल है बहुत ही अच्छे तरीके से डन हुआ। तो आप देखेंगे कि 2 बजे के बाद देखिए यहाँ पे जैसे ही इसने 3910 के अबव गया मार्केट, ठीक है, पूरा टारगेट अपना 3930 का, ठीक है, मैं यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन से दिखा देता हूँ, 3910 के अबव जैसे गया तो आप देखेंगे कि इसने अपना टारगेट मतलब करीब आधे घंटे में, एक घंटे में अचीव कर दिया। तो यहाँ पे हमें 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस का रिकवरी, एक रिकवरी तो आया, लेकिन उसके बाद जो सेलिंग का लेवल था 2 बजे के बाद मतलब सडनली नहीं आया, ठीक है। तो सेलिंग का जो लेवल था वो लेवल नहीं आया, ठीक है, जो सेलिंग का लेवल था किस लेवल से था, बाइंग का लेवल टारगेट आ गया, ठीक है, और जो सेलिंग का लेवल था 20 पॉइंट का, एक्चुअली मैंने यहाँ पे अलग से दिया है, तो सेलिंग का लेवल जो था, सेलिंग में भी हमारा प्रॉफिट आया है, तो सेलिंग का क्या लेवल था, सेल बिलो 3892 टारगेट और 3912 का एसएल। तो 3892 से सेलिंग था, तो देखेंगे कि 3892 कब आया है, करीब आया है इवनिंग में 6:35 में, और उसका पूरा टारगेट आया 6472 तक। तो यहाँ पे भी हमें 20 पॉइंट का, यहाँ पे हमें सेलिंग का टारगेट का प्रॉफिट आया, ठीक है। और इसके बाद एक और ट्रेड हमारी 7 बजे के करीब हुई जिसमें 3920 का अबव आया था, जिसका भी मैंने यहाँ पे एक वो रखा है स्क्रीनशॉट, शाम को जो ट्रेड हुई थी 6 बजे के करीब। तो क्रूड ऑयल बाय था 3920 के अबव आए, 3939 का टारगेट, 3900 का एसएल और 3902 के बिलो सेल, और ये सेलिंग लेवल थे। तो 3920 के अबव बाय का लेवल जो था उसका स्टॉप लॉस हुआ दोस्तों, ऐसे हुआ, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे 3920 के अबव बाय था यहाँ पे, लेकिन जैसे ही हमारा ये लेवल एग्जीक्यूट हुआ मार्केट गिर गया और हमारा जो सेल था 3902 का वो ट्रिगर हो गया। लेकिन सडन उसी समय हमारा एक नया लेवल भी था जो था सेल बिलो 3902 और ये टारगेट था, उसका टारगेट आ गया, ठीक है, यहाँ पे नीचे। तो कुल मिला के हमें आज के दिन में जो हमारा ट्रेड रेशियो था, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, 3 बार हमने ट्रेड डाला, 6 बार हमारे ट्रेड हुए, 6 बार में आज 18/7/2019 को 3 बार हमें एसएल हुआ, 3 बार हमें टारगेट हुआ, ठीक है। तो देखिए 20 पॉइंट का यहाँ पे लॉस हुआ, ठीक है, और एक लॉस और हुआ है यहाँ पे, हमको 20 पॉइंट का लॉस हुआ है 3920 वाले में, ठीक है। तो हमको 60 पॉइंट का लॉस हुआ और 60 पॉइंट का ही हमको प्रॉफिट भी हुआ। तो आज का जो ट्रेड था 18/7/2019 का, ठीक है, तो 18/7/2019 का जो ट्रेड था, हमने 6 ट्रेड किए और हमें जो प्रॉफिट हुआ वो जीरो रुपीज, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को, दूसरा कोई होता तो शायद इस वीडियो को बनाता ही नहीं, क्योंकि इतने सारे स्टॉप लॉस कोई भी नहीं चाहता कि दिखाए। बट मैं यहाँ पे ट्रूली तरीके से इस सीट को बनाना चाहता हूँ और आप लोगों की हेल्प चाहिए मुझे। आप लोगों को ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मार्केट में स्टॉप लॉस भी होता है और टारगेट भी होता है, बट ओवरऑल हमारा जो रिजल्ट है वो एक प्रॉफिट के फॉर्म में आना चाहिए। तो हम उस प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार, ठीक है। ये सीट मैं क्रूड ऑयल डेली एनालिसिस में इस सीट के बारे में बताऊंगा, लेकिन इसके अलावा भी मैं आपको दूसरी चीज़ें भी आज वीडियो में बताऊंगा, ठीक है, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। इसमें हमको प्रॉफिट हुआ 307 पॉइंट का, ठीक है, और
बाइंग एसएल लॉस जो हुआ है हमें कितने पॉइंट का हुआ है, 85 पॉइंट का। सेलिंग टारगेट जो हमें हुआ है वो कितने पॉइंट का हुआ है, 118 पॉइंट का। और सेलिंग एसएल जो हुए हैं हमें वो कितने पॉइंट के हुए हैं, वो 141 पॉइंट के हुए हैं। तो हमें कितना टोटल प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं, इसे हम दिखा देते हैं। 307 प्लस 118 माइनस 85 माइनस 141, ये इंटर किए 199। तो हमें इसे 19,900 का प्रॉफिट हमारा हुआ है। ब्रोकरेज मैं आपको लास्ट में कैलकुलेट करके दूंगा कि कितने भी ट्रेड हम करेंगे उसमें ब्रोकरेज हम पूरे मंथ में इकट्ठा ब्रेक कैलकुलेट करेंगे कि जितने भी ट्रेड हमने किया उसमें ब्रोकरेज हमारा कितना गया है और टोटल प्रॉफिट हमें कितना आया है। तो दोस्तों 19,900 का प्रॉफिट अभी तक का है, जिसमें हमारे जितने भी ट्रेड थे सभी में हमने इसको कैलकुलेट किया है और सभी के हिसाब से हम इसे मेजरमेंट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को एक प्राइस एक्शन का मैं सीन दिखाना चाहता हूँ। प्राइस एक्शन का सीन यहाँ पे ये है कि सबसे पहले तो मैं इस वीडियो को पूरा देखिएगा प्लीज़, जिनसे भी रिक्वेस्ट जो देखते हैं प्लीज़ पूरा देखिए। सबसे पहले कभी भी जब सुबह का मार्केट ओपन हो तो उस मार्केट में सुबह 9 बजे से 10 बजे तक 11 बजे तक अगर बड़ा मूवमेंट होता है तो आप ये समझ लीजिए कि उस दिन में मोमेंटम दोनों तरफ शिफ्ट होगा, मतलब मूवमेंट होगा। लेकिन अगर मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि एक हाई या एक लो जरूर क्रिएट करेगा, और जब उस वो हाई और लो को ब्रेक करेगा यानी कि उस सपोर्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो मार्केट में एक अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। तो आप देखेंगे कि ये वाला लाइन जो है इसको सपोर्ट को ब्रेक की रेजिस्टेंस बना दिया था, इसको ब्रेक किया जैसे ही 3913 को हाई के ऊपर। जो लोग हाई के अबव बाय किए होंगे आज उनको अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। तो हाई के अबव जैसे ही ब्रेक किया और एक अच्छा प्रॉफिट 20 25 30 पॉइंट का दे गया। सिमिलरली जो लो ब्रेक किया नेक्स्ट टाइम यहां से तो एक अच्छा प्रॉफिट नीचे भी दे के गया। ठीक है, तो ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आज मार्केट जो था सुबह से करीब कितने बजे तक, 2 बजे तक एक रेंज पे ट्रेड हो रहा था। और जब भी रेंज पे ट्रेड होता है तो हमें स्टॉप लॉस जरूर होगा उस समय। तो आप लोगों को ये समझने की ज़रूरत है, जो लोग स्कैनर से जुड़ेंगे हमारे साथ उनको मैं प्राइस एक्शन के बारे में और डीपली बताऊंगा। ठीक है, तो ऐसे रेंज पे ही ज़्यादातर लोगों को स्टॉप लॉस होता है और ज़्यादातर लोगों का पैसा डूबता है इसी रेंज पे। ठीक है, इस रेंज पे को अगर कोई ब्रेक किया, देखिए यहाँ से 100 पॉइंट का मूवमेंट हो चुका है और होते ही जा रहा है क्योंकि ये रेंज ब्रेकआउट हुआ है, इसी वजह से इतना बड़ा गिरावट आया है। ठीक है, इसका दूसरा एक पहलू ये भी है कि मैं यहाँ पे 200 दिनों का मूविंग एवरेज यूज किया हूँ। आप देखेंगे कि प्राइस 200 मूविंग डे को ब्रेक नहीं कर रही है, मतलब अच्छे तरीके से क्लियर ब्रेकआउट नहीं दे रही है। तो इस लाइन से जिसने सेल किया होता, ठीक है, उसको बहुत बड़ा मुनाफा होता। तो जिन भी दोस्तों को स्कैनर के अलावा ट्रेनिंग चाहिए, हमारी जो कैपिटल एक्वायर है हमारा मेन काम है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में हम प्राइस एक्शन, स्विंग ट्रेडिंग, मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज रीड आउट, स्कैल्पिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, मनी मैनेजमेंट, ऐसी स्ट्रेटजीज के बारे में बताएंगे जिसका यूज अगर करते हो, स्विंग ट्रेडिंग जिनका यूज अगर आप करते हो तो 99% केस में आपको बेनिफिट्स मिलेंगे और 20 पॉइंट 25 पॉइंट नहीं 100 200 पॉइंट के भी प्रॉफिट आपको मिलेंगे। लेकिन उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, तो स्कैनर जो लोग यूज करना चाहते हैं, जिनको ज़्यादा रिसर्च नहीं करनी है, वो लोग इस तरीके से स्टॉप लॉस और टारगेट को लगातार फॉलो करें। एक अमाउंट ऐसा ले लें कि समझ लें कि मुझे इस अमाउंट को लॉस करना है, प्रॉफिट तो करना ही नहीं है, लेकिन वो अमाउंट आपका लॉस नहीं होगा अगर आप इसको डिसिप्लिन फॉलो करते हैं। तो 5,000 रुपये या 10,000 रुपये आप लगाइए और सिर्फ ये सोचिए कि मुझे प्रॉफिट से मतलब नहीं है, मुझे लॉस करना है इस अमाउंट को, बस मैं इस डिसिप्लिन को फॉलो करूंगा। इस तरीके से आप एक एक्सेल शीट बना लीजिए। ठीक है, इस एक्सेल शीट में आप बाइंग टारगेट, सेलिंग टारगेट, ये सब चीज़ें देखिए, लगाइए और प्रॉपरली फॉलो करिए। मैंने आज 6 ट्रेड का लगाया है तो 6 ट्रेड के टारगेट एसएल हमने लगा लिया है। ठीक है, वैसे दिन में 2 ट्रेड करना है, 10 AM एक 6 PM के बाद, तो 2 ट्रेड भी आप करते तो भी आपको 2 में लॉस 2 में प्रॉफिट होता ही होता। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं क्लोज करता हूं और जो भी मैंने आपको चीज़ें समझाई है, ठीक है, टेक्निकल सेटअप के रिगार्डिंग और भी बहुत सारे ऐसी स्ट्रेटजीज हैं, ऐसे ट्रिक्स हैं,
टेक्निकल सेटअप का जो मैं आपको बताऊंगा आने वाले समय में, और जिनका यूज अगर आप करते हो तो मोस्ट टाइमली मतलब ज़्यादातर आपको प्रॉफिट होगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, रोहित द्विवेदी कैपिटल एक्वायर मेरा नंबर दिया हुआ है, उसमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हमेशा मेरी कोशिश होगी कि आपको आपको बेस्ट से बेस्ट दूँ। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।